इसी तरह मैंने जब उस पर क्लिक किया तो अब मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है। मैं इसको कोड को जो है वो लिख लेता हूँ इसके अंदर, ताकि जो है मेरा नंबर वो हो जाए। मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ क्या मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, नहीं हुआ। देखिए मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो वीडियोस हैं, अब आपका देखें यहाँ पर अनेबल्ड हो गया कस्टम थंबनेल। अब मैं यहाँ पर कस्टम थंबनेल को जो है अपलोड कर लेता हूँ। वेरीफाइड हो गया मेरा अकाउंट, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं अपने कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकता हूँ वीडियोस पर। ये देखें यहाँ पर मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं इस पर अपना कस्टम थंबनेल अपलोड करना चाहूँ तो मैं अपना अपलोड कर सकता हूँ। देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा ऑप्शन आपके पास कस्टम थंबनेल, देखें यहाँ रहा कस्टम थंबनेल। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना कस्टम थंबनेल अपलोड कर लें जो हमने बनाया था। वो मैं जो है वो यहाँ पर मैंने भी बनाया के डाउनलोड किया था, देखें ऑक्सर 2017। ये आप कोई भी कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं जो भी आपकी वीडियो है। ठीक है, मैं इसको जो है कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस वीडियो पे लगाना है ये थंबनेल, क्योंकि ये आउट ऑफ दी रेंज हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, और यूट्यूब जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये आप क्या कर रहे हो, आप एक वीडियो वीडियो आपकी दूसरी है और आपका जो है थंबनेल दूसरा है इस वजह से। अब मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ वीडियो मैनेजर से, और यहाँ पर जो है मैं वीडियो मैनेजर में जाकर इसको एडिट कर लेते हैं हम। और एडिट के बाद जो है हम यहाँ पर कस्टम थंबनेल दे देंगे। कस्टम थंबनेल आपने दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो मैंने बनाया था अभी रिसेंट ऑस्कर अवार्ड का, ये रहा कस्टम थंबनेल, यहाँ पर अपलोड करना है क्योंकि ये ऑस्कर 2017 है, ये रिलेटेड होगा थंबनेल। और आपको यूट्यूब से कोई यूट्यूब को आपको कोई से प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से वो जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ये जब तक अपलोड हो रहा है, ये देखें अपलोड हो चुका है, मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ और कस्टम थंबनेल आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोनिटाइजेशन की तरफ। एड्स एडवर्टाइजमेंट किस तरह से आपको यूट्यूब पे मिलती हैं और आप किस तरह से उसको शो करवाते हैं और आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। देखें सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस अकाउंट को बंद कर लेना है गूगल को, इसको इसको ये सब आपको क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया। कीवर्ड टूल आए हो यहाँ से, आप कीवर्ड उठाएंगे या आपको सीपीसी नहीं बताएगा, ये मांगेगा प्रोफेशनल, तो आपको मैं कीवर्ड एवरीवेयर के जरिए मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने कीवर्ड का सीपीसी चेक कर सकते हैं। या आपको कीवर्ड सीपीसी बता रहा है कि इतने पैसे मिलेंगे आपको, मल्टीपल क्लिक्स पे इतने मिलेंगे, वो आपको बता रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखें कीवर्ड स्पाई पे बता रहा है आपको सारा का सारा, कि अगर आप इंश्योरेंस का कीवर्ड देख लें तो आपका दिमाग घूम जाएगा क्योंकि इतने पैसे देते हैं वो इंश्योरेंस कीवर्ड पर। अगर आप इस पर आप वीडियो बना लें इंश्योरेंस पे तो बहुत पैसे मिलेंगे आपको। इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप क्लिक कैसे लेते हैं और हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ये देखें सारे आपके, देखें $31, $45 बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये हैं आपके कीवर्ड स्पाइस पे आप चेक कर सकते हैं, डोमेन से चेक कर सकते हैं, लिंक से चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया है, ये भी क्लियर है आप लोगों को। अब मैं आ जाता हूँ मोनेटाइजेशन की तरफ, माय चैनल पे आप चले जाएं, और यहाँ पर आने के बाद आप वीडियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। फिर यहाँ पर आपने चेक करना है कम्युनिटी पे, कम्युनिटी पे चेक करें, मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन होगा या नहीं तो फिर चैनल पे चेक कर लें, चैनल पे देख लें होगा मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। तो ये चैनल पे देखें मोनेटाइजेशन एलिजिबल, अनेबल कर दें मोनेटाइजेशन को। यहाँ से अनेबल के बाद आप कहेंगे कि गेट स्टार्टेड, आपने स्टार्ट करना है मोनेटाइजेशन, मतलब एडवर्टाइजमेंट आपको लेकर आनी है। तो आप वो कैसे लेकर आएंगे, इस पर आप क्लिक कर दें गेट स्टार्टेड पे।